तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स को डुअल बना सकते हैं, मतलब ऐप्स को डुअल कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं और आप आसानी से अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप्स बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ से अपने फोन की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको एक ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐप्स पे क्लिक कर लेना है। ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कैसे मिलेगा, एक ऑप्शन दिखेगा ऐप क्लोनर का, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐप क्लोन पर, ऐप क्लोन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से भी हमारा स्नैपचैट डुअल होने के लिए तैयार है। तो उसको गाइस यहाँ से हम ऐसे डुअल कर सकते हैं एक सिंगल तरीके से। फिलहाल तो मैंने डिलीट कर दिया, तो इसको मैं डुअल करता हूँ आपके सामने। डुप्लीकेट आइकॉन एडिट ऑन डेस्कटॉप, तो यहाँ पे गाइज आपका देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से गाइज अपने फ़ोन के अंदर आप डुअल ऐप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो,